स्ट्रक्चर में ड्रेस का सब कुछ एजेंसी की थी। हाँ कुछ एजेंसी की थी। मैं एक बार जिसके साथ इंटरव्यू कर लेते हैं उसके साथ इंटरव्यू कर लेते हैं। ये भी एक्चुअली अभी बिहार और यूपी के लोगों पर काफ़ी उनके ऊपर काफ़ी जुल्म हो रहा है और उनको यहाँ से भगाया जा रहा है, तो मैं उनकी सपोर्ट में एक ऑटो वाली बनी हूँ और भाजी वाली भी बनी हूँ। तो मैं लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि आप पॉलिटिशियंस के चक्कर में ना आएँ, क्योंकि उनको वोट्स चाहिए तो वो आपको डिवाइड एंड रूल के चक्कर में ला रहे हैं, जबकि बेचारे ये गरीब लोगों पर ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूपी बिहार से काफ़ी बड़े लोग भी हैं बॉम्बे में, उन पर तो कुछ किया नहीं जाता, मगर ये जो छोटे लोग हैं जो गरीब हैं ऑटो वालाज एंड ऑल, तो उनको सताया जा रहा है। तो एक छोटी सी थीम नहीं है, उनको सपोर्ट कर रही हूँ मैं। ये कह सकते हैं कि आप एमएनएस और जो शिवसेना है उसको आप एक तरीके से चैलेंज दे रही हैं? मैं किसी को चैलेंज नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ एक भाईचारा बताना चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में ही अगर जॉब नहीं ढूंढोगे तो फिर और कहाँ जाओगे? अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो और बॉम्बे में आ जाते हो बिहार से या यूपी से कहीं और से आ जाते हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो सिर्फ जॉब के लिए आए हो, तो इसमें कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है किसी को। और अगर आप सोचते हो कि महाराष्ट्रियन का जॉब छिन जाता है बाहर वालों के आने की वजह से, तो आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना कि उन पर बाहर के आए हुए लोगों को आप भगाने की कोशिश कर रहे हो। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप उनको जॉब दीजिए, आप महाराष्ट्रियंस के लिए भी जॉब ढूंढिए और यूपीआईट्स को भी जॉब दीजिए। आखिरी और सबसे अहम सवाल कि महाराष्ट्र और मुंबई में हमेशा से रिक्शा वालों को ही निशाना बनाया जाता है, तो जो रिक्शा वाले बहुत ही मजबूर होते हैं क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे, किस तरह का मदद करेंगे? मेरे हिसाब से जो गरीब तबका है हमेशा पॉलिटिशियन का निशाना वही बनता है। ऐसा नहीं है कि यूपी से आए हुए लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पर भी हैं, अगर आपको निशाना बनाना है तो उन बड़े लोगों को पकड़िए और उनको निशाना बनाइए, बिल्कुल छोटे और गरीब लोगों को आप मार रहे हो जिनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसे तो एक नामर्दानगी वाली बात होती है कि आप किसी गरीब पर आप ऐसा जुल्म कर रहे हो और बड़े लोगों को छोड़ देते हो। और सिर्फ ये हो रहा है इलेक्शन के लिए, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, तो एक वोट बैंक उनको जमा करना है, तो एक पॉलिटिशियंस हैं और वो अपना उसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ये भाजी वाले ही क्यों और रिक्शा वाले को क्यों, ऐसे क्यों आपको लग रहा है उनपे अत्याचार हो रहा है? जब भी स्ट्राइक होता है ऑटो वालों का तो आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और स्ट्राइक वो लोग कब करते हैं जब उनके ऊपर थोड़ा जुल्म होता है। तो जैसे मनसा वाले हैं, ऐसे कई लोग और भी हैं जो उनको स्ट्राइक पर मजबूर करते हैं, लेकिन जब स्ट्राइक होता है तो दूसरे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसीलिए मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने ऑटो वाला से भी कहा कि भैया जी आप स्ट्राइक क्यों करते हो, हम लोग सब परेशान हो जाते हैं, तो दे सकते नहीं आपसे स्ट्राइक नहीं करेंगे। अच्छा, आपने पर्सनल जिंदगी में आपने कभी रिक्शा वाले की कोई हेल्प की है, कभी मदद की है, किस तरह की? नहीं, मैंने रिक्शा वालों की मदद नहीं की है, मगर जैसे कि हम रिक्शा में बैठते हैं और उनको मीटर देते हैं तो एक तरह से उनका जॉब है और एक तरह से हम उनकी मदद ही करते हैं, उनको पैसे देते हैं। वो तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो आप मॉडल बन के आप कोशिश ये जारी करना चाहते हो कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं गलत है? नहीं, मैं राज ठाकरे का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि जो नेता ऐसे गरीबों को भगा रहे हैं ये कहकर के उनकी वजह से जो महाराष्ट्रियन हैं उनका जॉब छिन जाता है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आप महाराष्ट्रियन लोगों के लिए क्या आप दूसरों के लिए भी जॉब क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ये ना कि जो लोग आ गए हैं उनको भगा दिया जाए। ऐसे भगाने से कितने लोगों को भगा दोगे आप, क्योंकि बॉम्बे में आधे से ज़्यादा बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि शायद राज ठाकरे जी के भी कुछ पुराने रूट्स जो उनके रहे हैं बिहार से रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी पूरे महाराष्ट्रियन हैं। आपने
क्या आपको ये उचित नहीं लगता कि बाहर के लोग आके यहाँ से जब क्राइम करके फिर बाहर जाते हैं तो नहीं, क्राइम करने वालों के लिए तो बहुत ही सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए, बहुत बहुत सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए उन पर. लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तान में रहते हो मगर दूसरे शहर से आप बॉम्बे में नहीं आ सकते और बॉम्बे में काम नहीं कर सकते. ये कहाँ का उसूल आया आपका? आप ये नहीं कह सकते कि आप बॉम्बे में, क्या पासपोर्ट की ज़रूरत है? हम एक दूसरे के शहरों में ट्रैवल करने के लिए बड़ी आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं. तो आप ऐसे नहीं मना कर सकते हो कि आप मत आओ. बॉम्बे में तो बहुत सारे बाहर के लोग हैं, इनफैक्ट महाराष्ट्रियन कम हैं, आउटसाइडर्स ज़्यादा हैं. मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है. कसाब की जो फांसी है उसको लटका दिया गया है, उसको जल्दी से जल्दी उसको फांसी देनी चाहिए क्योंकि अननेसेसरी हम गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा रहे हैं. इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं कसाब पे, अब क्यों किसी पाकिस्तानी पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो? अगर वो आतंकवादी है और ये साबित हो चुका है तो आप उसे जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाइए. दूसरी बात, आपने दूसरा मुद्दा लिया है कि आप भाजी वाली को सपोर्ट कर रहे हैं. या भाजी वालियों का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बेचारे रास्ते पर कहीं भी बैठ जाते हैं जहाँ पर उनको बैठने का अलाउड भी नहीं है. तो गवर्नमेंट उनके लिए कुछ क्यों नहीं करती, उनके लिए प्रॉपर मार्केट क्यों नहीं बना कर देती? वो बेचारे कहीं भी बैठ जाते हैं और कहीं पर भी बैठ कर भाजी बेचने लगते हैं. तो उनके लिए भी कुछ कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक प्रॉपर जगह बना कर देनी चाहिए कि आप वहाँ पर बैठिए. गवर्नमेंट की बात छोड़ी तो आपने कभी किस तरह से मदद की है उनके लिए?